कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। चुनावों की आहट के बीच तमाम तरह के मुद्दे प्रदेश की सियासत में उठाए जा रहे हैं। नया मुद्दा गोमांस का है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए बीफ के मुद्दे पर एक वीडियो जारी किया है। दरअसल गोमांस के बहाने कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काटना चाहती है। वीडियो का हिस्सा है जिसके सेंटर में आकर खड़ी हो गई है कर्नाटक की सियासत। कांग्रेस ने बीफ को मुद्दा बनाकर उछाल दिया है सियासी फिजाओं में। नतीजा ये है कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच चुका है। एक मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी की जगह बीफ जनता पार्टी बताया गया है। दरअसल वीडियो के नीचे कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा है कि गोवा के सीएम बीफ का आयात करना चाहते हैं, तो यूपी के सीएम बीफ का निर्यात करना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बीफ खाना चाहते हैं और बीजेपी विधायक संगीत सोम कहते हैं कि बीफ को कारोबार से ना मिलाएं। बीजेपी के बीफ पॉलिटिक्स को बेनकाब करने का दावा करते हुए कांग्रेस कह रही है कि पाखंड सरेआम होने से भगवा पार्टी के नेता बौखला गए हैं। स्वाभाविक ये जो दोहरा चार चरित्र और चेहरा है भाजपा का, ये देश की जनता के सामने धीरे धीरे आ रहा है, बहुत हद तक आया है और बहुत हद तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जैसे ही कांग्रेस के ट्विटर पर ये वीडियो जारी हुआ, वैसे ही बीजेपी के नेता त्रिशूल तान कर खड़े हो गए। गाय को सेंटर में खड़ा कर पॉलिटिक्स करने का तोहमत झेलने वाली बीजेपी नेता कांग्रेस को विकास की राजनीति करने की नसीहत दे रहे हैं। कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा काम किया होता तो आज वो अपने रिपोर्ट कार्ड को दिखाते, अपने अच्छे काम को शोकेस करते, मगर कोई काम किया नहीं है। इसलिए जिस प्रकार की गाली गलौज की राजनीति कांग्रेस पार्टी जिस पे उतर आई है वो हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के प्रवक्ताओं की फौज मैदान में उतर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। इसीलिए अब सवाल यहीं से उठने लगा है कि क्या कर्नाटक चुनाव गाय के नाम पर होगा? अब क्या कर्नाटक में गाय वोट देगी? कांग्रेस ने बीफ का मुद्दा क्यों उठाया? दरअसल इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ के 5 जनवरी के उस दौरे से शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर बीफ का नाम लेकर सीधे सीधे अटैक किया कि अगर आप भी हिंदू हैं और हिंदुत्व के पैरवी करते हैं तो फिर गौमांस की पैरवी आपके द्वारा किया जाना कितना उचित है। इसके बाद तिल मिलाए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बीजेपी को हिंदुत्व आतंक से क्या जोड़ा, पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस पर अटैक किया। जानकार बताते हैं कि ये वीडियो असल में बीजेपी पर कांग्रेस का डबल अटैक है। एक तरफ बीजेपी के वीडियो वॉर का जवाब और दूसरा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विवादित बयान की काट, यानी मुद्दे को शिफ्ट करने की कवायद भी इसे कह सकते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में गाय बीफ आतंक की एंट्री हो चुकी है। चुनाव होने में अभी वक्त है, लिहाजा इंतजार कीजिए, अभी सियासी गर्मी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।